लंबे समय तक साइकिल चलाने से या बाइक चलाने से आपके सेक्स लाइफ के ऊपर उसका दुष्प्रभाव होता है, ऐसा मैंने बोला तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, मगर वो होता है। अभी मुझे यहाँ एक डिस्क्लेमर देना है कि मैं ये वीडियो से साइकिलिंग का महत्व कम नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बाईसाइकिल ये एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, उसमें कोई फ्यूल लगता नहीं है, लोग वहन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर्स एक्सरसाइज के लिए उसको रिकमेंड करते हैं। स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग का रिकमेंडेशन किया जाता है और 18 अलग अलग क्रॉनिक बीमारियां जो है उसमें भी साइकिलिंग करो ऐसा रिकमेंडेशन डॉक्टर करते रहते हैं, जिसमें कि हार्ट डिसीजेस है, फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जॉइंट पेन्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सभी बीमारियों में साइकिलिंग से बहुत ज़्यादा फायदा होते रहता है। अब ये इसके फायदे मद्देनजर रखते हुए भी हमको ये देखना है कि फिर नुकसान क्या है और कैसे होता है। क्या है कि पेनिस मतलब लिंग और एनस, इसके बीच में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं पेरिनियम। जो पेरिनियम का एरिया है जो सीट के ऊपर रखा जाता है और जिसके ऊपर सीट से प्रेशर आता है, तो वहां रहती है प्यूडेंडल नर्व और प्यूडेंडल आर्टरी। एक नर्व है, एक आर्टरी है जो एरिया में रहती है। अब प्यूडेंडल नर्व के ऊपर प्रेशर आ गया तो प्रॉब्लम है और प्यूडेंडल आर्टरी के ऊपर प्रेशर आ गया तो प्रॉब्लम है इरेक्शन में। नर्व के ऊपर प्रेशर आ गया तो वहां सुन्नपन आता है पेरिनियम में, मतलब लिंग से लेके एनस तक वो जो एरिया है पेरिनियम, वहां सुन्नपन आता है, नमनेस आता है। 4000 पुरुषों को स्टडी किया गया, 4000 पुरुषों का जब स्टडी किया जो स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर थे, और उनमें से ये पाया गया कि 34 से 58% लोगों को सुन्नपना आ गया था पेरिनियम के एरिया में, और 24% लोगों को, पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन अर्थात नपुंसकत्व अर्थात इरेक्शन का प्रॉब्लम मतलब लैंगिक कठोरता का प्रॉब्लम आया। महिलाओं में भी ये स्टडी की गई है, 875 महिलाओं को जब स्टडी किया तब 53% महिलाओं को सुन्नपना वजाना और एनस के बीच का जो एरिया पेरिनियम, वहां उन्होंने कंप्लेंट किया, वहां सुन्नपना आ गया था, नमनेस आ गया था। अब जब ये है तो कुछ स्टडीज बोलती कि नहीं कुछ होता नहीं है, कुछ स्टडीज बोलती कि कुछ होता है, तो अभी इसमें न जाते हुए हमको ये देखना है कि हमने प्रिकॉशन क्या लेना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऐसा बोला जाता है, तो स्पेशली डिजाइन सीट्स जो अलग अलग कंपनियां बनाती है कि जिसमें पेरिनियम के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ऐसी सीट्स बनाई जाती है, या फिर सॉफ्ट सीट्स रहती है कि जिससे प्रेशर नहीं आएगा पेरिनियम के ऊपर वो सीट्स, या बीच में गैप रहेंगे ऐसी सीट, तो ऐसी स्पेशल डिजाइन सीट जो है वो आपको चूज करनी पड़ेगी, मतलब वो तरह की साइकिल आपको चूज करनी पड़ेगी। और नंबर दो, हैंडल जो हैंडल बार वो यदि सीट के नीचे आता है, मतलब लेवल के नीचे आता है सीट के लेवल के नीचे, तो भी उससे प्रेशर के ऊपर फायदा होता है, मतलब प्रेशर कम आएगा, तो ये करता है डेफिनेटली। तो इरेक्शन का जो प्रॉब्लम आ सकता है जो ये स्टडी में दिखाई दिया 24% पुरुषों में, तो वो नहीं आएगा और डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ जो है वो बिना हैम्पर के अच्छा रह सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वो लोगों को शेयर करो कि जो साइकिलिंग के रेस में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं या अलग अलग कॉम्पिटिशन में लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, कि जो लोग बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं एज एन एक्सरसाइज, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।